चलो तुहानू आपां बेसमेंट बनाउण लगे आं, आपां उहदा कम्म विखाउंदे आं तुहानू, बेसमेंट क्रिएट करन लगे आं आपां। ऐसा फिरा कुटदा नी टाइम किथे आ, मैं बाला बिज, मैं बाला बिज, आओ यारियो लाई है केड़ा मुल्ल। बेसमेंट दी फ्रेमिंग डन, इलेक्ट्रिसिटी डन, प्लंबिंग डन, ते हुण इंसुलेशन पाउणी आ, ते विखाउंदे हुण तुहानू जाके। तो फाइनली आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए जिते साड़ी बेसमेंट रेडी हो रही है। समात नहीं कटना गड्डी चुज, समात नहीं कटा गड्डी चुज। चलो हाँ, ये दो के लिए है, एक तेरा है तेरे को? नहीं मैं मास्क तो। चलो आ जाओ मित्रों, तुम विखाने अपनी बेसमेंट जी आप नवी क्रिएट करने। आया कोई ना देखता सारा। आया आया बेसमेंट, आ फ्रेमिंग डन हो गई, देख सकते जो सारी फ्रेमिंग खाओ सारे। मैं लाइट लाना, लाइट ला के फिर सोने सारे। तो आ जाए अपनी बेसमेंट यदि आप करती है फ्रेमिंग डन, तुम वेख सकते जी फ्रेमिंग खा दे सारे। आज जी लकड़ा लाई है फ्रेमिंग आ, इलैक्ट्रिसिटी भी डन आलैक्ट्रिसिटी मुंडे ने की आप मूँह नहीं विखा सकते। अपनी माड़ी इलैक्ट्रिशियन करता आ। दो रूम आ, एक आ रूम आ, पार्टीशन हुई है जड़ी आ जड़ी। इधर भी रूम है, आ गया लग गया, सही है ये। आ एक वॉशरूम है अंदर बाहर, तो स्टैंडिंग शावर है, इतने स्टैंडिंग शावर बनना है, इतने स्टैंडिंग शावर लगना है। आ देखो आप टब लाता है, इतने आप प्लंबिंग हो गई है डन। तो आया आया तो लगे सब जल्दी आ। किचन इधर ले बने, किचन होना है मैंने इधर आंदे ना। हां तू कर दे, इधर ले बने किचन होना है अपना, इधर ले बने किचन। ते आया इधर मशीनना रख दे, मशीनना दे। चलो मशीनना पहले ही ले आके रख दिया इन्होंने, ग्रिल दे इधर। एंट्रेंस दिखा दे के साइड एंट्रेंस है, कोई नहीं मैं बाकी फास्ट कर लूंगा। साइड एंट्रेंस ते साइड एंट्रेंस दे नाल ही इधर अंदर आंदे ही इधर रूम है, रूम दे अंदर है मास्टर बेडरूम। यदि सारी अपना इलैक्ट्रिसिटी डन हो गई है, तो अपना प्लंबिंग भी डन हो गई है, तो इधर अटैच वॉशरूम मकान अंदर अटैच वॉशरूम यद आप टब लाता इतने, तो इधर ड्राइव वाला ला के आ प्लंबिंग डन हो गई यदि, तो इतने आप ड्राइव वाला ला देनी है। ड्राइव वाला लाने तो बाद आप इतने आप लावे टाइल वॉशरूम रेडी करा। फिलहाल तो फिलहाल आप इंसुलेशन भरनी है सारी बेसमेंट के, वो तुम्हें विखावे बाद। चलो आ गया ना, इंसुलेशन पाउन तो बाद साड़ी थोड़ी फ्रेमिंग रह गई सी, ते फ्रेमिंग करनी सी, ते फ्रेमिंग मैं फ्रेमिंग करके विखाऊंगा तुहानू। आया साड़ा हथियार नेलर जिन्ना असी फ्रेमिंग करते हैं, कुछ स्टड रह गए ही लाने वास्ते, ते मैं उन्हां दा मेजरमेंट लैके उन्होंने कट्टूंगा ते फिर उत्ते लाऊंगा।
सीलिंग दे विच आयरन बीम सी तां मैनूं कवर करना सी तां कि ड्राइवॉल लग सके। तुसीं आ वेख सकते हो जी इहदे विच आयरन बीम सी ते इहदे तां सपोर्ट मिल जाए ड्राइवॉल नूं। इत्थे साडी क्लोजट सी उहदा डोर सी तां करके क्लोजट ते डोर नूं सपोर्ट देण लई इत्थे आपां इक स्टड लाता। ਅਸੀਂ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਫਰੇਮਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਫਰੇਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੰਡੋ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। वैसे तो मैं बहुत सारे घर काम किया रेनोवेशन का, बट जो भी मैं काम करता हाँ मैं इदा लगता है कि मैं किसी का घर नहीं अपना घर बनाने हूँ। मैं अपने काम ना प्यार है, वधिया लगता मैं करना एंड सीखने को मिलता हर दिन नव कुछ सीखने को मिलता ता करके मैं ये काम वधिया लगता। यह नहीं हर काम की अपनी खासियत आ अपना तजर्बा आ। तो जिमें कि हमारी फ्रेमिंग डन हो गई ही तो हूँ आप इतने लावे ड्राइवॉल, आ फ्रेमिंग डन हो गई है तो इसे आप ड्राइवॉल लावे। इस तरह जेडे आप सारे स्टड लाए हैं उन्होंने आप ड्राइवॉल ना कवर कर देना उन्होंने, उस तो बाद मडिंग होगी, उस तो बाद मडिंग तो बाद आप सैंडिंग करांगे मड नूं ते अगे अगे वीडियो तुम्हें सारा पता लग जूगा कितना करते हैं आप काम। तो मित्रों आप लाती ड्राइवॉल सारिया तुम वेख सकते जी पहला इतने स्टड लगे जी हूँ आप ड्राइवॉल सारिया लाती सारे बंदे इधर वॉशरूम थोड़ा नेरा हो गया इधर विखना नहीं बट आ वॉशरूम से भी लाती सारे बंदे उधर भी रहा सारा मतलब कि फ्रेमिंग की उस तो बाद ड्राइवॉल लाती है डन। बस कॉर्नर बीट्स लगने वाली रह गई वो मैं तुम्हें विखा हमें कॉर्नर बीट्स की होंगे बस वो लगने वाली कॉर्नर बीट्स कॉर्नर से लगनी जिम्मे आह कॉर्नर हो गया आह कॉर्नर हो गया मतलब कि इतने कॉर्नर बीट्स लगनिया ने वो मैं तुम्हें विखा बाद रूम जोड़ा रूम ही एक आह भी रेडी हो गया पूरा इधर वाला रूम भी उठा दो कॉर्नर गेट्स लाने तो बाद डन हो जानी अपनी जो ड्राइवॉल का सब कुछ डन हो जाना एक जेड तो उस तो बाद कर दी मडिंग होनी उस तो बाद मडिंग होने तो बाद फिर हो पेंट फिर फिनिशिंग देनी है आप फ्लोर पाना है टाइल्स लानी है बाथ होर भी बहुत कुछ है तुम अगले वीडियो विखावे। तो मित्रों आ होंगी है कॉर्नर बीट तो हूँ मैं तुम ला के विखाऊंगा मित्रों आ होंगी है कॉर्नर बीड तो मैं तुम्हें लागे कहूँगा कि किदा लगती है। तो पहला आखो इतने मैं लाई आ बस ने हूँ जो हाफ पार्ट रह गया इतने लाऊंगा पहला मेजरमेंट ला लें आप एंड आ कटर जिन्हें आप कट देंगे सरताज अगे है ओना नहीं अगे अगे कितने आवा थोड़ा जहा ब्लर होना तू क्यों ब्लर होना तू क्यों ब्लर आऊंगा पीछे आ मैं हूं नहीं ब्लर होता देखिए मैं करदा
दस फिर अज अज के काम करना अपा दस अज आप कर चले मडिंग का काम मडिंग का काम तो हो गया आप सेंडिंग होंगी फाइनल सेंडिंग ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਮਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਸੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟੂਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਮਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵ ਵਾਲਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਡਰਾਈਵ ਵਾਲਾ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਂਗੇ ਮੈਸ ਟੇਪ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ 90 ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ ਜੋੜ ਹਿੱਲੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਜੋੜ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ 90 ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਆ 90 ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋੜ 'ਤੇ 90 ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ 90 ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਮਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਹ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮਡਿੰਗ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੋਸਟ ਕਲਰ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ 90 ਦਾ ਅਤੇ ਮੱਡ ਦਾ ਬਟ ਕੰਮ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੱਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੌੜਾ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਆ ਜਾਵੇ 90 ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੱਡ ਕਰ ਲਿਆ आया ट्रोल नाइफ होक जिते मड पिया तो मैं तुहानू पिलर भर के विखूंगा कि किदा मड ना भरदे आ ते आ जी मित्रों पेपर टेप एक कॉर्नर नू कवर करने लई वरती जांदी आ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਨ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਟੇਪ ਨੂੰ ਮੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਟੇਪ ਡਰਾਈਵੋਲ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ ਆਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਟੇਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਟੇਪ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਨਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਮੱਡ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਮਡਿੰਗ ਡਨ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਚਨ ਫਲੋਰ ਪੇਂਟ ਡੋਰਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਪੂਰੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਈਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਥੈਂਕ ਯੂ